तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज मैं पहुंचा हूं बस्ती जिले में, जो यूपी के अंदर है, श्री राघव डेयरी फार्म, जो काफी बढ़िया फार्म मैनेजमेंट के साथ, जैसे फार्म को किया जाता है हर एक चीज की सुविधा, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो फीडिंग मैनेजमेंट हो, चाहे उनके रख रखाव की हो, चाहे उनको खुला जगह एरिया यहाँ पे आपको देखने खुद मिल रहा है, हर एक चीज को। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफी बढ़िया अपनी फार्म को चला रहे हैं। दूध का रेट भी काफी बढ़िया इन्होंने अपना मैनेज कर रखा है। हर एक चीज को देखते हुए इनका फार्म सब कुछ बढ़िया, और एक एक से एक ब्रीड में, चाहे वो गाय चाहे वो भैंस, हर चीज आपको मैं दिखाऊंगा। फीडिंग मैनेजमेंट की चाहे बात हो जाए, हर एक चीज बढ़िया है इनके फार्म पे। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे अपने फार्म को स्टार्ट किया गया और कैसे अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले नाम? नाम मेरा सर सुनील शुक्ला है। ओके। और मैं यहाँ बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। ओके। गांव का नाम? ये मैं शहर में हूँ सर, पटेल चौक के बगल में, नेशनल हाईवे से जस्ट 300 मीटर के दूरी पे हमारा राघव डेयरी फार्म के नाम से मैं फार्म संचालित करता हूँ। ओके। मैं जानना चाहूंगा कुछ जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि डेयरी फार्मिंग तो पहले इतना नहीं होता था, अब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं ये कैसे हुआ। देखिए सर, एक्चुअली पशुपालन का शौक मेरा शुरू बचपन से ही था। जी जी। क्योंकि हमारे घर में हमारे जो बाबा थे और नाना नानी से सारे लोग जानवरों को पालते थे, रखते थे, तो एक हमारा शौक शुरू से ही चला आया। बिल्कुल। और मैं एक गाय से शुरू किया, दूध थोड़ा सा बढ़ा तो एक आदमी हमने रखा, फिर वो दूध बिका तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा उसमें हमारा। okay. फिर होते होते धीरे धीरे गाय हमने बढ़ाना स्टार्ट किया और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मैंने किया और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिला। बस शुरू में थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई फार्म को संचालित करने में, लेकिन हमें वर्कर्स हमारे अच्छे मिल गए, तो फिर हमें मतलब लगभग 2-2.5 साल हो गया ये काम करते हुए। अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फार्म में दिखी नहीं कि पशुपालन गलत व्यवसाय है। पशुपालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, बस उसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से करें तो बहुत ही फायदे का व्यवसाय है। इससे पहले क्या करते थे? सर मैं नौकरी करता था। किस सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर में था, आदित्य बिरला ग्रुप में मैं था। पिछले 20 साल से मैं वहाँ पे 20 साल जॉब की, उसके बाद फार्मिंग में आ गया। फार्मिंग में छोड़ दिया जॉब? हाँ, अभी मैं हूँ, मतलब कनेक्टेड हूँ, बट ये 31 मार्च लास्ट है मेरा। 31 मार्च से? हाँ। मतलब जॉब को करते करते फार्म को इतना बड़ा डेवलप कर दिया? जी जी सर। ये कैसे पॉसिबल? ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब भी देखना, ये भी देखना। एक्चुअली क्या था कि हमको जो हमारे लेबर थे, 3-4 हमारे ऐसे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे कि मैं नहीं भी रहता था तो मुझे अपनी ये कमी नहीं महसूस होती थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी सर, मॉनिटरिंग के लिए मैंने हर जगह CCTV लगा रखा है। बिल्कुल। हाँ, थोड़ी सी मॉनिटरिंग मैं कैमरे के थ्रू भी करता था, और बाकी अगर जो जिम्मेदार आदमी आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ये काम आपके लिए गलत हो सकता है। जैसा कि आपने बताया, 1-2 गाय से हमने स्टार्ट की, लेकिन काफ़ी समस्या आता है। कभी ऐसा होता है कि गाय नहीं मिलती, कभी ऐसा होता है कि गाय मिल जाती है तो उसको हम तरीके से रख नहीं पाते, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है। तो उसको कैसे फेस किया आपने? सर स्टार्टिंग में क्या था कि जब हम गाय पे यहाँ पे लाए तो हमको फीड वीड के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। बस यही था कि चरी देना है, बरसीन देना है, भूसा देना है और कपिला देना है। बट जैसे जैसे मैं इस सेक्टर में एंट्री किया तो थोड़ा यूट्यूब एक सबसे बड़ा ट्यूटर है हमारा आज की डेट में। जी जी। उससे काफी नॉलेज हमें मिला कि कौन सा दाना दिया जाए और किस तरीके का ब्रीड रखा जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा रहे, कॉस्टिंग कम आए, प्रोडक्शन ज्यादा रहे, जिससे हमारे फार्म का एक अच्छा ग्रोथ हो। ओके। तो स्टार्टिंग हमने कपिला से किया और करते करते मैं कई फीड मतलब यूज किया, जैसे मैंने तिवाना भी यूज किया, कारगिल भी यूज किया, अभी करंटली मैं शीतल चला रहा हूँ। जी, बहुत सारे जगहों पे बोर्ड देख रहा हूँ, इतनी भी मतलब इसमें इतना प्रेमता दिखा रहे हैं, जो सभी जगह एडवर्टाइजमेंट के लिए शीतल शीतल लिख रखा है, मतलब इसका क्या कारण है? एक्चुअली सर क्या था कि जैसे हमारा एक रिटेल आउटलेट है अपना दूध का। ओके। वहाँ बाई प्रोडक्ट्स भी मैं देता हूँ, जैसे पनीर, खोया, घी, दही और दूध, ये सारी चीजें जाती है। जब मैं कारगिल का फीड यूज कर रहा था तो साथ में मुझे गैलेक्स शॉट एक इनका सप्लीमेंट आता है जिससे दूध का फैट और SNF जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, हुआ क्या कि जब ये फीड कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ने लगी और कारगिल दाना काफी महंगा है और चूंकि यूपी में FOR फैसिलिटी, उनकी टॉप लेवल का एक ब्रांड है उनका, और दूसरी चीज
चीज ये थी सर कि उनका कोई हमारे लिए सेल सपोर्ट नहीं था। ओके। हाँ, कि उनका कोई बंदा हमको आए समझाए, बस फोन पे जो बात होती थी होती थी। उसके बाद एक फीड, मतलब ये डीजल ईजल का रेट बढ़ा तो फीड कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगा, तो मुझे लगा थोड़ा सा हटके हमको चलना चाहिए, थोड़ा ऐसा करे कि हमारे फार्म में वो चीज सर्वाइव करे, बहुत महंगा ना रहे हमें। तो तिवाना मैंने यूज किया, तिवाना में हमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेस्टाइटिस वाली दिखी। okay. तिवाना का 10,000-8,000 मैंने यूज किया, मैंने वैंकीज भी यूज किया इवन। रिजल्ट मुझे कौन सा वैंकीज का मैंने यूज किया था, एक सिल्वर करके सर, वो थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, हाई यील्ड था मतलब इनके, और बफ का एक भैंसों का दाना था, तो मैंने दो महीना ढाई महीना यूज किया था। उसके बाद शीतल का मैंने यूज किया तो लगभग 8 महीने, हमको मई में मैंने स्टार्ट किया था। 8 महीने से यूज कर रहे हैं शीतल सर? ये 3 मई को मेरा लगभग समझिए 1 साल हो जाएगा। डिफरेंस क्या है उन सभी फीड से इनका फीड में? देखिए सर, हमारा तो एक हमारा जो लगभग एवरेज कॉस्टिंग मंथली आती थी 20,000-25,000 की, जो गैलेक्सी शॉट की आती थी। ओके। और एक हाईलैक प्रोडक्ट आता था, मतलब ये पशु को डाला जाता था तो फैट एसेंस थोड़ा सा हाई रहता था। ये समस्या तो मेरी एकदम खत्म हो गई। अच्छा। तो एक हमारे फार्म के लिए थोड़ा कॉस्ट सेविंग भी ये रहा। और दूसरी चीज, इसको पशु इतने चाव से खाते हैं, मतलब आपको पलट के देखना नहीं, आप डाले कि 10 मिनट में वो चीज साफ। उसका रिजल्ट भी हमें, हमारा प्रोडक्शन भी लगभग समझिए बहुत नहीं कहेंगे लेकिन 10-15% हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा फार्म पे। और मुझे नहीं लग रहा सर कि इधर विगत 4-5 महीने में एक लंपी डिजीज आई, थोड़ा मैं सफर किया उसमें, लेकिन और जनरल ऐसी कोई समस्या मेरे पशुओं को नहीं आई कि किसी को मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा या किसी को। ये बहुत बड़ा समस्या है। बिल्कुल सर, ये फीड ही सही कर सकता है। जैसे कि हमारे फार्म पे भी बहुत साल पहले, लगभग 6 महीना पहले की बात करें तो आप तो हमारा वीडियो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं। थैंक यू। तो हमारे फार्म पे काफी प्रॉब्लम था पहले, फिर हमने कुछ दूसरी कंपनी का प्रीमिक्स वगैरह यूज किया तो हमारा आज कंट्रोल है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये फीड से होता है, थनैला हो जाना, फीवर आ जाना, कमजोर हो जाना, ये सब कहाँ कैसा है? मतलब आपके फार्म पे थनैला या फिर कोई अदरवाइज दूसरी बीमारी? नहीं सर, मेरे ख्याल से आप हमारे जानवरों को देख ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि कोई गाय हमारी कमजोर है या भाई हेल्थ गड़बड़ है। थोड़ा बारिश में हम थोड़ा सफर किए, जो शेड अभी हमने नया बनवाया है इसमें हमने इनको शिफ्ट किया है, बाकी गाय हमारी ओपन भी रहती है रात में। हाँ बिल्कुल, खाली जगह भी है। हाँ, लेकिन है सर कि जैसे शीतल का यूज करने के बाद मुझे कहीं से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसीलिए देखिए हमें दाने में पैसे लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं रही। काफी सारा देख रहा हूँ बोरी ऐसी 35 नाम से कोई है लिखा हुआ, उसमें ट्रांजिशन भी हमारे पास लिखा हुआ है, जी सर, ग्रोवर लिखा हुआ है, तो ये क्या कॉस्ट पड़ जाता होगा, कितने रुपए केजी अराउंड? ये एवरेज सर बोरी के हिसाब से देखें तो 1500-1400 अप्रोक्स यही रेट आता है एक एवरेज इनका। अच्छा, 28-30 रुपए केजी तक के आपका दाना मेरा पड़ जाता है। ओके, ठीक है। नॉर्मल अगर जो हम लोकल फीड भी कोई यूज करते हैं, जैसे कपिला यहाँ पे चलता है, तो वो भी 1150-1200 रुपए बोरी इनकी नॉर्मल वाली है। नहीं, वो तो कपिला तो बिल्कुल डेयरी फार्मर को मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज पहली बार शीतल फीड आप खिला रहे हैं, और मैं एक बार देखा था गुजरात में एक बंदा खिलाता था, मैं शीतल को तो काफी दिनों से जानता हूँ, और आपने रिव्यू भी काफी बढ़िया दिया, और इतना बढ़िया तो सामने शीतल का एडवर्टाइजमेंट तक कर दिया है आपने, तो ये तो उनके लिए भाग्य है, बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि आपने फीडिंग की बात कर ली, फीडिंग खुद का नहीं बना के आप किसी कंपनी का खिला रहे हैं, ये तो बिल्कुल बढ़िया चीज है, कंपनी पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इनका डाइजेस्ट और न्यूट्रिशन इतना बढ़िया करके वो फीड बनाते हैं, तो उससे क्या होता है किसी तरह का हमें परेशानी नहीं आती। बिल्कुल सर, और वर्कर पे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है कि ये मिक्स करो, ये मिक्स करो, ये दो वो दो, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं खिलाते होंगे? सर मैंने मिनरल ब्लॉक्स लगा रखे हैं वेंसन के, जैसे मिनरल हम दे देते हैं, और फिर हमारे पास विर्बेक का चिलेटेड जो है मिनरल मिक्सचर है, फिलहाल उसकी भी जरूरत मुझे कहीं, देखिए मिनरल मिक्सचर दिया क्या क्यों जाता है कि गाय कंसीव नहीं होती है, एआई के ड्यूरिंग एआई गाय कंसीव नहीं होती है, फिलहाल अभी ऐसी कोई समस्या हमें नहीं आई है शीतल का फीड देने के बाद कि कोई गाय हमारी कंसीव नहीं हुई। और आज के डेट में लगभग 17-18 बछड़ियां हमारी खुद की है, जो घर की पैदा हुई बछड़ियां हैं जो आज के डेट में मिल्किंग में, और 20-25 लीटर दूध उनका आज के डेट में चल रहा है। फीड तो हो गया सर, जब आपने शुरुआत की थी फार्म की, 1 से 2 गाय बढ़ाया, ये कैसे बढ़ा? मतलब दूध डेयरी में देने के वजह से बढ़ा या रिटेल करके बढ़ाया, कैसा ही? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़ा सा एक जब हमारे पास एक गाय थी तो 27-28 लीटर दूध वो खुद ही देती थी। ओके। तो 8-9 लीटर हमारे घर का यूज था, बाकी जो एक्सेस होता था हम कितना यूज करते उसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक आदमी हमने ऐसा पकड़ा कि जो आता था वो दुहाई भी करता था और दूध ले जाके मार्केट में दे देता था, फिर उसने कहा कि सर थोड़ा सा आप और बढ़ा लीजिए, हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, फिर उसके ही मोटिवेशन पे हमने ये चीज को बढ़ाना स्टार्ट किया। हमने पराग डेयरी पे दिया, पराग डेयरी पे लगभग 150-150 लीटर दूध देता था, क्योंकि हमने गाय इकट्ठे पंजाब से दिया, 10-12 गाय एक साथ मंगाए, तो प्रोडक्शन हमारा काफी 250-300 लीटर पहुंच गया।
अच्छा उसमें क्या हुआ सर कि फिर हमें दूध का रिटेल नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने पराग पे 28 रुपए 30 रुपए लीटर पे पराग पे देना स्टार्ट किया। फिर मुझे ये आया कि नहीं कुछ हटके हमको करना चाहिए, फिर मैंने अपना एक रिटेल काउंटर डाला। आज 450 लीटर का लगभग वहाँ पे हमारा सेल है और घर से हमारे 300 लीटर का रिटेल है। 300 लीटर यहाँ से डेयरी से हमारे सर वो बिक जाता है शहर में है इस समय। हाँ आके लोग यहाँ से दूध ले जाते हैं। क्या रुपए लीटर यहाँ से और काउंटर से? सर काउंटर से भी 50 रुपए लीटर गाय का है, 60 रुपए लीटर भैंस का है और यहाँ से भी 50 रुपए लीटर गाय का और 60 रुपए लीटर भैंस का है। ओके सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आया? ये बहुत बड़ा समस्या है। फार्मिंग तो कर लेते हैं सब, कोई पैसा इतना कमाने से सोचते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं 1.5 लाख कमा रहे 2 लाख, रियलिटी है कमाने वाले कमा रहे हैं, बट वो जब शुरुआत करते हैं तो फंस जाते हैं। नहीं एक्चुअली देखिए सर, इस होता क्या है लोग ना कि देखते हैं कि अरे तो बहुत बड़ा फार्म बन गया मुझे भी करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप बिल्कुल करो, लेकिन आप इनिशियल लेवल पे जो भी स्टार्ट करो छोटे पैमाने पे करो, जब तक आपका रिटेल ना हो, मार्केट आपकी ना बने, तब तक आप जानवरों को मत बढ़ाओ। क्योंकि आप अगर जो सोसाइटी में दूध दे रहे हो तो वहाँ आपका आज की जो फीड कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें पैसा नहीं आना है। मतलब आप जहाँ पर जहाँ से शुरू करोगे आप वहीं पर रहोगे। और ये एक ऐसी चीज है जैसे बीच बीच में कोई डिजीज ऐसी आ जाती है, अभी जैसे लंपी डिजीज आई, ये सब सफर करना थोड़ा बहुत टफ हो जाता है। जैसे FMD है, लंपी है और कुछ ऐसे इस टाइप के वायरस आ जाते हैं जैसे फार्म पे, तो वहाँ थोड़ा सा सफर करना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा मेडिकल कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है, वो एक्सेस हो जाता है हमारा। और बाकी नॉर्मली अगर जो फीड पे हम ध्यान दे रहे हैं, ग्रीन फॉडर मैंडेटरी पार्ट है, मतलब आप डेयरी रख रहे हैं तो आपको हरे चारे की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। साइलेज अगर जो आपको मिल रहा है तो साइलेज भी आपको देना चाहिए। दाने पे ध्यान दीजिए और खुद, मतलब जब आप फार्म चला रहे हैं सारे पशुओं का रख रखाव आपको एक बार स्वयं सबको वॉच आउट करना चाहिए कि कहीं किसी गाय में प्रॉब्लम तो नहीं है। आप आदमी के सहारे मतलब एकदम डिपेंड ना रहिए, क्योंकि आदमी काम करता है वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट रहता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ इतना देर, और पूरे जानवरों को वर्कआउट नहीं कर पाता है। आपके अनुसार खुद का फीड बनाना चाहिए या किसी कंपनी? नहीं सर देखिए, देखा जाए तो अपना फीड बनाना एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जगह कैसी, आपको सारे मतलब अवेलेबिलिटीज जो उनके रॉ मटेरियल्स है सारे आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है सर कि जैसे जो बड़ी कंपनियां जैसे शीतल है, कारगिल है, तिवाना है, इनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो ये ऑलरेडी क्वालिटी टेस्ट करके ही हमारे पास भेजते हैं। ओवरऑल अगर जो मैं फीड बनाता हूँ सर, तो हमारी कॉस्टिंग 35 से 36 रुपए जा रही है। इससे अच्छा है कि जो 30 रुपए की कॉस्टिंग वाली फीड है हम वही खिलाएं। अगर आपके पास तो बहुत सारा स्टॉक में रहता है, कोई किसान आसपास वीडियो देख के आपके पास आके फीड खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या कैसे? नहीं जैसे मान लीजिए कोई आता है तो ट्रायल बेस में उसको दे देता हूँ, बाकी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर कोई लेना चाहे तो कोई नंबर दे सकते हैं सर? 9889779000 ये एक नंबर है हमारा। और बाकी ये तो आपका नंबर हो गया, मेरा नंबर हो गया सर। कंपनी का नंबर हो तो आसानी से मिल जाए। हाँ कंपनी का नंबर सर है मेरे पास, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। नहीं ठीक है सर, क्योंकि बहुत जरूरी है अगर कोई खिलाना चाहे तो उनको आसानी हो जाए। सर जैसा कि आप, हमने फीड के बारे में तो आपने बहुत सारी तारीफ पे तारीफ कर दी है, लेकिन अब ये बताएं कि टोटल पशु कितने हैं? काफी सारा देख रहा हूँ, 154 एनिमल्स करेंटली हमारे पास है सर। ओके, जिसमें समझ लीजिए 82 हमारे पास मिल्किंग में है, बाकी सब ड्राई और हीफर्स हैं, जो बिग हीफर्स हैं हमारी। ओके, 154 का कुछ काफ है और कुछ अभी न्यूली बॉर्न काफ है हमारे पास। दूध कितना आ जाता होगा? दूध हमारे पास 800 प्लस है सर अभी, दोनों टाइम गाय भैंस दोनों का मिला के। ब्रीड भी काफी बढ़िया देख पा रहा हूँ मैं आपका। ये तो सर देखिए, ये मुझे इज्जू के बिजनेस आइडिया से ही देखने को मिला है। मैं आपका बहुत पुराना फॉलोवर था और मैं आपसे बार बार मेरी बात भी हुई, लेकिन अब दुर्भाग्य रहा कि मेरी आपकी मुलाकात नहीं रही, लेकिन आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आप जो इधर उधर उसके वीडियो शूट्स करते हैं तो उसमें ब्रीड के बारे में, फीड के बारे में और मैकेनिकल के बारे में जो हमारी मशीन्स हैं उस पर भी आपने लगभग काफी वीडियोस बनाए हैं, तो बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला है हमें। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम रहा ये फार्म हमको संचालित करने में, तो इस वजह से यूट्यूब को ही देख के हाइब्रिड रखना चाहिए, इसलिए आपने हाइब्रिड रखा है। बिल्कुल सर, एक चीज मैं आपके अंदर कमी में बता दूं अपने आपके फार्म पे। बिल्कुल सर, मुझे जो लगा है सबसे पहले तो गाय का खोलने का व्यवस्था तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है। जी जी, जो कि यहाँ पे खिलाने के बाद यहाँ जस्ट इनका मट्टी का एरिया देख रहे हैं, इसमें खोल देंगे आप, ये तो आपने कर दिया है। लेकिन आप क्या बछड़ी का जो
फ्यूचर जो मैंने देख रहा हूँ वो शायद मैं देख पा रहा हूँ वो सच्चाई है या फिर आपके कुछ अंदरूनी है वो बता। नहीं 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 हुआ क्या सर, मैं आपको बताऊँ, ऐसे है जैसे ये शेड अभी मैं आपको बताया ना सर कि हमारे पास एनिमल्स ज्यादा हो गए, थोड़ा सा हमारा जो मैनेजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया बीच में, थोड़ा बारिश वारिश की वजह से, बारिश लेट हुई तो हम बहुत प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाए। जुलाई से हमने शेड बनाना स्टार्ट किया, ये जनवरी में हमको 15 या 16 जनवरी को अच्छा ये 15-20 दिन पहले आई है ये शिफ्ट किया नहीं तो हमारा वो जो पुराना देखा उसमें था सर। तो अभी सर देखिए मैं अभी आप अगर जो चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अलग काफ का हमने देखा है, लेकिन जैसे कि बोलने का मतलब ये था ना सर कि बछड़ी फ्यूचर है हमारा, फार्म में टिका रहना है तो बछड़ी पे हमको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, ब्रीड पे ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर। तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ बुल देख रहा हूँ। हाँ सर। हाँ। तो ये जो कि फार्म को आगे ले जाने में ये सक्षम नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली मैं सीमन का भी यूज करता हूँ, मेरे पास और वर्ल्ड वाइड का मेरे पास अपना सीमन कंटेनर भी है। ओके। और मेरा अपना मानना रहता है कि कुछ गायों की मैं एआई कराता हूँ, और मान लीजिए जो एआई से मतलब सीमन से नहीं कंसीव होती है उनको मैं बुल से क्रॉस करवा रहा हूँ इतने टाइम। ओके। और बुल का रिजल्ट भी काफी अच्छा, ये भी है स्नोमैन का मतलब वो है। और ये सर ये हमारे आपके यहाँ पे कोई ऐसा है जो एबीएस का हो या वर्ल्ड वाइड का? देखिए वो वर्ल्ड वाइड का है सर। अच्छा दैट वन वो मैक्स फ्लाई का रेड रेड वाली? नहीं नहीं वो सर वो जो बैठी हुई ब्लैक वाली उस तरफ जो बैठी हुई सब जी बिल्कुल एबीएस का ब्रूड का वो है सर, वो व्हाइट कलर का है ना, दो दो किनारे वाली छोटी वाली है। तो आप जैसा फीड की बात कर ही दिए हैं तो काफ ग्रोवर वगैरह या काफ स्टार्टर वगैरह क्यों नहीं दे रहे हैं? इनका जो बॉडी होना चाहिए, जैसे कि सर इनका अभी दूध पी रही है। हाँ हाँ तो इनका बॉडी वगैरह मुझे सब सही लग रहा है। अब जैसे ये देख रहा हूँ मैं, ये भी तो दोनों बच्चियां ही है। हाँ जैसे पेट निकल जाना या कीड़ा का दवा नहीं, क्योंकि ब्रीड में काफी बढ़िया है। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन इनका क्या कमी के वजह से? नहीं नहीं देखिए सर यही फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जो कि बिजनेस आइडिया से बहुत कुछ सीखा है हमने, हमने बहुत कवर किया है, ब्रीड सुधारना है हमारे बिहार यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं देखिए इस चीज पे मैं फिलहाल आपके उस पर और फोकस करूंगा, जैसे डिवर्मिंग अभी रिसेंट मैंने कराया भी है और काफी स्टार्टर में देता था तिवाना का। ओके। मुझे रिजल्ट नहीं आया सर, अभी मैं मिल्क रिप्लेसर चला रहा हूँ सरवाल कंपनी का। ओके। मतलब मदर फीडिंग भी हो रही है और प्लस साथ में मैं मिल्क रिप्लेसर भी इनको चला रहा हूँ, लगभग 5 लीटर दोनों टाइम में मैं इनको दे रहा हूँ सर। और है मतलब मैं इन पे काम कर रहा हूँ सर, ये देखिए मैंने बालू डलवाया है। नहीं ये रहने वहने के लिए मैं कमी नहीं है, जो देखिए ये पता कब चलता है 2-3 महीने के बाद। नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फ्यूचर है ना हमारा, अगर ये आप बचपन में बढ़िया नहीं खाई होगी तो इनका आगे जाके रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बोलेंगे बाद में वर्ल्ड वाइड का भी दूध इतना कम आया तो नहीं, ये रिजल्ट नहीं आना है सर, अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे डे वन से इन पे केयर करना। बिल्कुल 350 kg 12 महीने में आ जाना चाहिए तभी हम लोग सीमेन करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे तो आप बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत खुशी लगी कि हमारे बिहार और यूपी में इस तरह का फार्म बन रहा है जहाँ पे कुछ अलग हो सकता है फ्यूचर में, आपके यहाँ से लोग खरीदने आएंगे। मैं वही देखना चाहता हूँ कि हमको बाहर से जो गाय हम खरीद रहे हैं 25-30 लीटर वाली अप्रोक्स, जैसे अभी आपने बोला 80 गाय है, 80 मिल्किंग में है और हमारा 800 लीटर यानी 10 का एवरेज, 10 का हो रहा है, ये एवरेज हमको 20-25 पे ले जाने के लिए ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये ब्रीड पे आप काम नहीं करते तो आपको 2-3 साल बाद फिर गाय खरीदना पड़ेगा, फिर नुकसान रहेगा मेरा। तो यानी गाय खरीद रहे हैं यानी आप नए फार्मर हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, गाय बेच रहे हैं तो पुराने फार्मर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं सर 800 लीटर पूरा का पूरा आपका दूध मिल्क बिक रहा है तो लगभग क्या अमाउंट आ जाते हैं उससे? अप्रोक्स 45,000-50,000 का हमारा डेली का, 40,000 से 45,000 का ये डेली का है। जैसे हमारा यहाँ एक कैंटीन है 150 लीटर का हमारा कंजम्पशन वहाँ पे है, फिर हमारे रिटेल मतलब एक काउंटर से 450 लीटर है, बाकी कभी कभी ऐसे भी, अभी कल हमारे पास 400 लीटर दूध बच गया क्योंकि हमारे यहाँ कल इलेक्शन था तो उसको हम बाय प्रोडक्ट्स में यूज कर लेते हैं। ओके। जैसे पनीर बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, घी भी बन रहा है हमारे यहाँ और दही भी बन रही है। ये कब बिकेंगे? ये तो रेगुलर हमारा शादी के सीजन नहीं, काउंटर पे जैसे खोया क्या रहता है सर कि हम 2-4 किलो काउंटर पे रहता है और ऑन डिमांड हम उसको बनाते हैं, और घी तो हमारा रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ बिकता रहता है, पनीर तो हमारा 10-12 किलो डेली बिकता है, तो ये बाय प्रोडक्ट्स भी हमारे काउंटर से अच्छा उठ जाता है। ओके जी। तो इनके रख रखाव के लिए कितना आदमी रखा है? 9 आदमी हमारे पास है सर।
9 आदमी जी, इसको और कम किया जाए लेबर कॉस्ट में? बिल्कुल, ये उसके लिए क्या सोचा है आपने? सोचा है जैसे एक तो सर हमारी जो आगे की प्लानिंग है टीएमआर की, बिल्कुल अभी मैं बोलना चाह रहा था जो आपने बोल दिया, क्योंकि इतने गाय के लिए टीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग जब तक बढ़िया नहीं होगा उनके पेट में बढ़िया नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कुछ सही नहीं, प्रॉपर वे में मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो टीएमआर का पैसा मैंने शक्तिमान का फिलहाल डिपॉजिट भी कर दिया है, बहुत बढ़िया, अप्रैल में वो मैं मंगा भी लूंगा टीएमआर। और मेरी प्लानिंग ये है कि हम अपना टीएमआर से ही करें, वो उससे हमारा लेबर कॉस्ट लगभग 3 लेबर हमारे बहुत आराम से बच जाएंगे। अच्छा, लेबर की जरूरत हमें सर पड़ेगी ग्रीन फॉर्डर के लिए, बिल्कुल वहाँ पे हमको लेबर ग्रीन फॉर्डर के लिए भी मशीन बहुत सारे ऐसे ऐसे आ गए हैं जिसको काट के डायरेक्ट ट्रैक्टर लेकर आ जाए। नहीं नहीं सर, वो मैंने वो भी प्लानिंग कर ली है, उसका भी पैसा मैंने डिपॉजिट कर दिया है। एक भारत चाफ कटर है मोगा में, एक सरदार जी है उनसे मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, और रीपर भी मैंने उनसे ले लिया है। हाँ, तो वो रहेगा सर वही खेत में ही कट जाएगा, 2-3 आदमी का काम रहेगा, और पूरा आराम से दिन भर के पशुओं का डायरेक्ट काट के टीएमआर में डाल दो, मिक्सिंग करो और मिक्सिंग करके यहाँ पे आके दाना वाना सब एक साथ डाल के, ये हमारी प्लानिंग है सर आगे। नेक्स्ट प्लानिंग है, अभी क्या कॉस्ट पड़ जाता है इनको खिलाने वगैरह में? सर देखिए, ये मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, फिर भी एक लगभग कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद कितना, लगभग 2.5-3 लाख रुपए हमारा महीने का बचत है। कैसा लग रहा है तो ये बात में, जब आप जब नौकरी कर रहे होंगे तो शायद इतना थोड़ी मिल रहा होगा? नहीं सर, उसमें भी मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, पैकेज बहुत अच्छा है अभी कह सकते हैं उसको, बट ये है कि सर एक अपना काम एक है, कहां मैं जितना सैलरी में पा रहा हूं उससे ज्यादा सैलरी सर, उसमें किसी को सर बोलना पड़ता होगा? बिल्कुल सर, वो देखिए हमारा तो हम अपने आदमियों को भी सर ही करके बात करते हैं। नहीं देखिए, वो एक ये सर कहना, इनको सर कहिएगा तो इधर से भी सर आएगा, लेकिन उनको सर कहिएगा तो सर नहीं आएगा, सर नहीं आएगा, एक मेंटल प्रेशर रहता था, फाइनेंस सेक्टर में थे तो ओवरऑल ये हमारा सबसे टफ मार्च का जो महीना होता है सबसे टफ होता है, और इंश्योरेंस सेक्टर में तो हर महीना टफ होता है। तो फिलहाल वो छोड़ के ये काम में मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और मैं अपने काम को ही आगे, फ्यूचर की मेरी प्लानिंग है कि मैं एक और फार्म अपने गाँव पे खोलूंगा। लगभग 200-250 जानवर का मेरा नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि दिसंबर से हम वहाँ का काम स्टार्ट करा दे शेड का। इसमें क्या इन्वेस्ट कर चुके होंगे लगभग? अप्रॉक्स 50+ गया है सर, 50 लाख। हाँ 50 लाख गाय वगैरह लेकर? नहीं नहीं सर, ये हमारा शेड एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा 34 लाख पे पूरा वो था, लेकिन लोहे की कॉस्ट इतनी बढ़ गई सर। हाँ, बिल्कुल, बस बिल्कुल। वहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर कॉस्टिंग, 50-60 रुपए मिलता था वो 80-70। नहीं सर, जो 72 रुपए मैंने तय किया था वो 129 रुपए 128 रुपए में गया, हमारे यहाँ तो 190 तक किया। नहीं यहाँ तो सर ये एक्चुअली मैंने जो भी यूज किया सर टाटा का ही सब यूज किया है, टाटा और जेएसडब्ल्यू काफी मजबूत बना है। स्ट्रक्चर तो सर मतलब मैं बहुत सफर किया हूँ यहाँ, तो मुझे लगा कि अब जो बनाना है ढंग से बनाना है। नहीं मैं हर चीज आपका बहुत बढ़िया लगा है, सब कुछ बढ़िया लगा, सिर्फ एक टीएमआर की कमी थी, तो धीरे धीरे आ ही जाएगा आपने बोल दिया है, और एक बछड़ी का जो काफ स्टार्टर चाहिए, क्योंकि काफ स्टार्टर ही एक ऐसा चीज है ना जो सर शुरुआत में ही वो जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, यहाँ मैं थोड़ा सा वीक हूँ, बट ये है कि नेक्स्ट आप जब भी हमारे यहाँ वीडियो पे वीडियो शूट करने आएंगे आपको ये चीजें एकदम इम्प्रूव मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे नए फार्मर जो पैसे वाला आना चाहते हैं, या फिर कोई गरीब बंदा कमाना चाहता है तो? नहीं सर देखिए, मैं तो पहले तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि बहुत अच्छा व्यवसाय है और बिल्कुल इसको करें, लेकिन थोड़ा सिस्टम से करें, ऐसा किसी को देख के आप कोई चीज नहीं की जाती है। आप पहले देख लीजिए, आके कहीं भी किसी अच्छे फार्म पे जाके आप देख लीजिए उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, आपको लगता है इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व मतलब ये नहीं कि आप कुर्सी पे बैठ के डेयरी चलाएंगे, नहीं, आपको रहना पड़ेगा, पूरी मॉनिटरिंग आपको इनिशियल स्टेज पे पूरा देखना पड़ेगा हर चीज आपको। और सबसे बड़ी जो समस्या आज की डेट में डेयरी फार्मर के लिए है वो लेबर प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो लेबर आपके पास है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा व्यवसाय है, और लेबर आपको नहीं मिल रहे हैं ये थोड़ा सा, फिर या तो आपके परिवार में उतने लोग हों कि डेयरी को मैनेज कर लें, बाकी सबसे बड़ी समस्या यही है। और अगर जो आप करना चाह रहे हैं तो छोटे से स्टार्ट करिए, अब धीरे धीरे अपना स्टेज बढ़ाते जाइए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा नुकसान का सौ है आइडिया या फायदे का है, फायदे का है या नुकसान का है, वो तो खुद धीरे धीरे बात समझ में आएगा। लेकिन आपके 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में ये बहुत बढ़िया है। नहीं मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैंने आपको बताया सर कि दिसंबर से मैं अपने नेक्स्ट शेड की प्लानिंग कर रहा हूँ दूसरे जगह। बिल्कुल सर, चलिए नेक्स्ट फ्यूचर में आएंगे तो वहाँ का भी होगा और यहाँ का भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई गई कि कैसे अपने फार्म को स्टार्ट किया और कहाँ पे अपने फार्म को लेकर आए, क्या खिलाते हैं और कैसे अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं, पूरी बात आपने सुना। कैसा लगा वीडियो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, और किसानों के साथ शेयर भी कर दें ताकि कोई किसान इस वीडियो को नहीं देख पाया तो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।